नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप पता हूँ। एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों का ध्यान मतलब अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। आप लोग का आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड आई हैव ऑब्जर्व समथिंग एंड आई हैव ऑब्जर्व द न्यूज एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स that has prompted me to make this video and share with you. तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए। इस द टॉपिक इज द वेदर द निफ्टी एज बॉटम आउट और इट हैज रिकवर्ड फ्रॉम इज बियर फेज और इट इज इन बुल ट्रैप। तो दैट इज द मेन थिंग। आई विल डिस्कस सम फैक्ट्स एंड फिगर्स न्यूज एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन देन आई विल डिस्कस द चार्ट्स ऑल्सो। आई हैव ऑल्सो गिवेन यू द निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई पोस्ट डेली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। यू कैन ऑल्सो सी दैट हाउ आई एनालाइज एंड हाउ आई प्रिडिक्ट एंड यू कैन ऑल्सो सी। बट इन फॉर द ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो। मैंने इसको और भी इलाबोरेटली और भी लॉन्ग टर्म में मैंने इसको प्रोजेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने कोविड वायरस के कोविड वायरस सेकेंड वेव बिगेस्ट रिसेशन इन वर्ल्ड मार्केट बिगेस्ट रिसेशन सिंस वर्ल्ड वॉर टू ये वीडियो भी बनाया है और भी बहुत सारा वीडियो मैंने दिखा है। तो तभी इसका जो मैंने एक वीडियो मैंने बनाने का इच्छा हुआ कि आप लोग को दिखाने के लिए कैसे ये निफ्टी का अभी क्या बुल रन शुरू होगा या इसका ये एक बुल ट्रैप है। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए। इसमें मैंने पहले फैक्ट एंड फिगर डिस्कस करूँगा और चार्ट भी पीस से एनालिसिस करूँगा और कुछ डाटा भी एनालिसिस करूँगा। तो इसमें से आप लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इस हालत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए या बुलिश व्यू रह के चलना चाहिए या कौन सा लेवल पे ऊपर बुलिश भी हो सकता है या बियरिश आस पीस से बियरिश आ सकता है। तो यही मैंने डिस्कस करूँगा और मेरा इसको वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल चीज़ बहुत ही मैंने शेयर करता हूँ। बहुत सारा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल चीज़ मैंने इसमें शेयर करता हूँ। तो मैंने मेरा चार्ट यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैंने कुछ कल ही मैंने रिलायंस का क्या नेट डेट फ्री है या रिलायंस का प्राइस क्यों बढ़ा है और कब इसको बाई करना है, ये सेफ है क्या नहीं है, कब मैंने रुचि सोया का लेके मैंने डिस्कस किया है, रुचि सोया शेयर्स का लेके डिस्कस किया। और मैंने रेगुलर बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू देता हूँ, बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी देता हूँ। और आप लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहता है, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक एंजल ब्रोकिंग का, आप स्टॉक्स आस्था ट्रेड एलिस ब्लू का लिंक में आप लोग आसानी से ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है बहुत ही जल्दी से एंड बहुत अच्छी फैसिलिटी आप लोग को मिल सकता है। मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी उधर है और उधर इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है जो आप लोग को जरूर देखना चाहिए। और आप लोग को मेरा आप लोग सोशल मीडिया साइट्स में मेरा सोशल मीडिया साइट्स में भी आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने इधर से मैंने मनी कंट्रोल में दिया हुआ जो आर्टिकल दिया है तो पहले उसको मैंने आप लोग को दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने वर्ल्ड बैंक का भी जो दिया है उसको भी डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस करूँगा और भी कुछ डाटा दिखाऊँगा जो आप लोग को उसमें से मतलब एक आइडिया मिल जाएगा कि इस हालत में क्या करना चाहिए। देखिए मनी कंट्रोल में का साइट में
आप लोग भी इसको देख सकता है मनी कंट्रोल का साइट में। और ये जो दिया है निफ्टी ऑन रिकवरी पाथ और इन बुल ट्रैप एनालिस्ट एडवाइस कॉशन एज कोविड 19 केसेस राइज ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस निफ्टी सॉ थ्री इंटरमीडिएट बुल ट्रैप्स बिफोर फाइनली बॉटमिंग आउट इन मार्च 2009। Did Nifty make a bottom at 7500? This is the biggest debate on the district, मतलब दलाल स्ट्रीट these days. If you look at the history, which is often an indicator of an often what lies ahead, we may not be out of the woods just yet. The rise in COVID-19 cases as well as delay in economic recovery could derail the derail the recent rally for the bulls, suggests expert. मतलब कोविड वायरस जब राइज केसेस जब राइज करेगा और इकोनॉमी कोई भी एक बैड न्यूज आएगा तो पूरा मार्केट को मतलब क्रैश हो सकता है। यूजुअली मार्केट्स टेंड टू मूव इन ए नॉन लीनियर फैशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाता है। जो लोग ट्रेड करना जानता है, जो लोग नहीं जानता है वो भी जानता है कि मार्केट अप डाउन करके ही जानता है, लेकिन हायर ही हायर लोज बनाता है। तो नॉन लीनियर फैशन ड्यूरिंग द करेक्शन पीरियड विथ फॉल्स सिग्नल्स सच एज बुल ट्रैप्स एंड इन मोस्ट केसेस फॉर्मिंग डबल बॉटम्स अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्टेड बाई ए रिपोर्ट फ्रॉम प्रभुदास लीला देर। ठीक है, ड्यूरिंग 2008 फिनेंशियल क्राइसिस द निफ्टी 50 इंडेक्स सॉ द इंटरमीडिएट बुल ट्रैप्स फर्स्ट इन मार्च 2008, सेकेंड इन जुलाई 2008 एंड देन फाइनली इन अक्टूबर इन द सेम ईयर बिफोर फाइनली बिकमिंग बॉटम आउट इन मार्च 2009। द थ्योरी इन थ्योरी बुल ट्रैप इज ए फॉल्स सिग्नल व्हिच सजेस्ट दैट इज रिकवरी इज अंडर वे बट द एक्चुअल ट्रेंड इज स्टिल डाउन। द मूव ट्रैप्स दोज ट्रेडर्स हु आर ऑन द बाई सिग्नल। मैंने इसमें भी आप लोग को रुचि सोया का जो मैंने बताया या रिलायंस का जो बताया या निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में मैंने भी डिस्कस किया कि जब आप लोग को लगेगा कि कुछ स्टॉक्स हम लोग बाई करेंगे वो हम लोग को छूट जाएगा, मौका छूट जा रहा है, तब उसी टाइम मार्केट जब सभी ने ये बाई करने लगेगा जा रहा है तो तब उसी टाइम मार्केट का में बियर फेज आता है या मार्केट का क्रैश आता है। तो देर आर थ्री बुल ट्रैप्स ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वेयर निफ्टी 50 रोज टू 16%, 21% एंड 23% फ्रॉम इंटरमीडिएट लोड्स। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा देखने से दिक्कत हो रहा है। इंटरमीडिएट लोस हिट इन 15 मंथ पीरियड द मार्केट फाइनली बॉटम्ड आउट इन ऑन मार्च 9 2009 एंड द बुल्स टू ओवर देयर आफ्टर। तो इधर से आप लोग ये देख सकते हैं कैसे ये 19 जून 17 मार्च में कैसे ये स्टार्ट लेवल इंटरमीडिएट लेवल एंड फॉल और राइज नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इधर से आप लोग ये फिगर आप लोग फैक्शन फिगर्स आप लोग देख सकता है इधर से कैसे निफ्टी का अप डाउन हुआ था, उसके बाद फाइनली कब से ये बॉटम आउट इसका होना, मतलब जनवरी में देखिए इधर 12430 से इधर 7500 इधर 29.6% इसके बाद राइज हुआ है, उसके बाद इधर फिर से डाउन हुआ है, तो इधर फिर से इसका राइज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका मतलब मिलता जुलता है जो पहले भी हुआ था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसे ही होता है। तो एनालिस्ट आर ऑफ व्यू दैट चांसेस ऑफ अनदर डाउन मूव्स एग्जिस्ट। ये आप लोग भी पढ़ सकते हैं, तो भी आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। एग्जिस्ट बट विद द प्रेजेंस ऑफ लिक्विडिटी अक्रॉस द ग्लोब द कंसर्न इन मेन में लाइज इन द हरी। अच्छा, बॉटम फॉर्मेशन इज लॉन्ग प्रोसेस रिक्वायरिंग कंसोलिडेशन एंड
bottom formation is which and consolidation, and within that we could be seeing range bound moves. Currently we may be near the top end of the range, hence there is a fair chance that a fall may soon ensue. Deepak Jaisani, head detailed research HDFC Securities, told Money Control. However, one point of difference between the previous crisis and current one is in that now we have a lot of cheap money sloshing around. Also, participants are confident that the central bankers may not allow macros to deteriorate and may take all action necessary to avoid from happening, he said. मतलब आरबीआई बैंक जो अभी रेपो रेट काट कर रहा है, कितना सा रेपो रेट अब जो काट कर 40 पॉइंट लास्ट में रेपो रेट काट किया है, तो पूरा कोशिश करेगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डाउन ना होने दे मार्केट में, मतलब मनी फ्लो रहता है और या और परचेजिंग पावर रहता है, तो इसीलिए ये हो रहा है, तो कर रहा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंकर्स मतलब आरबीआई बैंक तो सेंट्रल बैंकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर डूइंग द बेस्ट दे कैन टू सपोर्ट द ग्रोथ इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज टू कुशन द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। इन रिपोर्ट लास्ट वीक ओईसीडी सेड दैट इट इज एस्टिमेटेड ए जीडीपी ग्रोथ ऑफ इट इज एस्टिमेटेड एस्टिमेट्स जीडीपी इंडियाज जीडीपी ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 3.7% एंड 7.3% डिपेंडिंग ऑन वेदर इंडिया अंडरटेक्स अनदर लॉकडाउन। एक्सपर्ट्स फील दैट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 विल रिमेन फॉर ईयर एंड द अर्निंग विल टेक ए हिट विच समथिंग दैट इज डिस्काउंटेड इन द मार्केट करंट लेवल। बैड न्यूज कुड वेल डिरेल द पार्टी फॉर द बुल्स। होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस आर्टिकल। There has been a slowdown in the economy due to lockdown in various parts of the world, and domestic economy too will hit GDP and earning growth will remain rapid for the current year. ठीक है, ये जो विकास जैन सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट रिलायंस सिक्योरिटीज टोल्ड मनी कंट्रोल। एज द लॉकडाउन ओपन्स अप डिमांड विल इंक्रीज एंड अर्निंग विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, सो वी कुड हैव एन इम्प्रूवमेंट इन ब्रॉडर मार्केट्स। देयर कुड बी इंटरमीडिएट स्विंग्स आफ्टर दिस शार्प अप मूव इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बट निफ्टी हैज गुड सपोर्ट इन रेंज ऑफ 8800-9100 लेवल ऑन द मल्टीपल टाइम फ्रेम एंड रिट्रेसमेंट, ही सेड। June further added that the bottom are placed in current levels unless there is some fresh negative news flows in the domestic or global market apart from COVID-19 crisis. What do the technicals say? Historically, we have seen that after every 3 to 4 years of bull run, the market corrects for a few months before resuming the uptrend. Currently, the index is making a series of higher high and higher lows on daily chart, including that the short-term bullish trend is still intact. मतलब इसको आप लोग को डोजेंस का थ्योरी भी आप लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, जो प्राइमरी ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड है, टर्शियरी ट्रेंड है, चलता रहता है मार्केट का अंदर, तो उसको भी आप लोग को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट रूल ऑफ द मार्केट इज नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। एज ऑफ नाउ निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव 50 डीएमए व्हिच इंडिकेट्स द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बुलिश, बट देयर आर की रेजिस्टेंस आर ऑन द अपसाइड। On the higher side, 10,550, which is 61.8% of Fibonacci retracement of recent fall, is an important level to watch. For मैंने मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी जो लोग रेगुलर बेसिस पे देखता है, मैंने यही लेवल का बात मैंने बार बार करता हूँ। 10,550, 10,560 यही लेवल का बार बार करता हूँ।
आप लोग भी देख सकता है। मैंने आप लोग लास्ट दो महीना 3 महीने से आप लोग इसका मेरा जो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखता है, तो भी आप लोग को बोलना पड़ेगा। अच्छा एनीवे, इफ मार्केट मैनेज टू क्रॉस अबव 10,050 लेवल्स देन देयर वुड बी फेयर चांसेस टू ब्रेक द प्रीवियस लो विच हैव फॉर्म्ड इन मार्च। राजेश पलवा सेट हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एक्सिस सिक्योरिटीज एंड मनी कंट्रोल टोल्ड मनी कंट्रोल इफ यू टेक रेफरेंस फॉर द हिस्टोरिकल डाटा एंड ट्रेंड पैटर्न द मार्केट फॉर 2008-09 देन इट हैज टू वायलेट 8,800 विच इज 3.817% पर हिस्टोरिकल चार्ट लेवल्स टू टर्न बियरिश सेट। पल्बिया फर्दर एडेड डेट, मतलब जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुआ है जो आप लोग एक्सटेंड करेंगे 12,430 से 7,500 का लेवल पे, आप लोग को भी इजीली ये देखेगा। मैंने भी चार्ट में बहुत बार दिखाया हूँ, तो पल्बिया फर्दर एडेड डेट बिलो 8,800 इज वेन वी कैन कंक्लूड दैट द बुल्स आर टैप्ड एंड बियर्स में हैव फॉलो द सेम ट्रेंड ऑफ 2008-09 दैट राइज ऑफ कोविड वायरस केस कुड रिजल्ट इन सेलिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 केसेस वाज ऑलरेडी फेल्ट लास्ट वीक व्हेन द रिपोर्ट्स ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन द US डिरेल्ड द रैली। वो मैंने फिर से वर्ल्ड मार्केट का क्या हुआ वो भी मैंने डिस्कस करूँगा, आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिए। If the second wave does come, then we could take the market to new lows. while there is a chance that the current rally could be a bull trap, the possibility of capitulation happening in the market from here on a relatively lower. Government central banks globally have acted very proactively and prevented the situation from deteriorating significantly, unlike the global financial crisis wherein there was government action only after the collapse of Lehman Brothers. Jyoti Roy, DBP Equity Strategist, Angel Broking Limited, told Money Control. मतलब 2008-09 में जब कोलैप्स हुआ था उसके बाद ही गवर्नमेंट एक्शन हुआ है, लेकिन अभी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स अभी भी मतलब अभी से ही मतलब इसका सभी फोकस कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन और ख़राब ना हो। तो वी बिलीव दैट देयर कुड बी इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी इन मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड एज द मार्केट्स में हैव रन अहेड ऑफ देमसेल्फ ड्यू टू यूएस फेस ड्रिवन लिक्विडिटी फ्यूल्ड रिस्क ऑन रैली He said, according to Roy, the key risk of current rally in Indian equities is the COVID-19 situation in India, especially since the cases are on the rise and the economy has entered the unlocking phase. ठीक है, तो इस आप लोग भी ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैंने वर्ल्ड बैंक का जो कहना है वो भी आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगा, तो वो भी आप लोग ये भी इधर से आप लोग देख सकते हैं। मैंने मेरा कोविड वायरस 19 एंड बिगेस्ट फिनेंशियल आफ्टर सिंस वर्ल्ड वॉर 2 वो भी वीडियो आप लोग देख सकता है। उसमें भी आप लोग देखिए, कोविड 19 टू प्लंज ग्लोबल इकोनॉमी इनटू वर्स्ट रिसेशन सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो इधर रिसेंट ये जून 18 में ये इसमें पोस्ट किया है। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं, द स्विफ्ट एंड मैसिव शॉक ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड शटडाउन मेजर्स टू कंटेन इट हैव प्लंज्ड द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू सीवियर कंट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट, द ग्लोबल इकोनॉमी विल श्रिंक बाय 5.2% दिस ईयर, दैट कुड रिप्रेजेंट द डीपेस्ट रिसेशन सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आप लोग सोच सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये कैसे ये मतलब जब जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब रिसेशन आ जाता है, तो मार्केट कैसे ऊपर जा सकता है, ये भी आप लोग सोच सकता है। विद द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी करूँगा, तो एक्सपीरियंसिंग डिक्लाइंस इन पर कैपिटा आउटपुट सिंस 1870 द वर्ल्ड बैंक सेज इन जून 2000 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। Economy activity among advanced economies is anticipated to shrink 7% in 2020 as the domestic demand
एंड सप्लाई ट्रेड सप्लाई ट्रेड एंड फिनांस हैव बीन सीवियरली डिस्टर्बड. इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू स्विंग बाई 2.5%. ये भी बोली थी इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है तो लाइक इंडिया जो है तो अभी इसके अंदर ही आ जाता है. स्विंग बाई 2.5% दिस ईयर, दिस इज द ये वर्ल्ड बैंक का कहना है. तो आप लोग को इसको ऑथेंटिसिटी आप लोग को भी अंदाज कर सकते हैं. देयर फर्स्ट कॉन्ट्रक्शन एज ए ग्रुप एटलीस्ट 60 ईयर्स पर कैपिटा, मतलब 60 ईयर्स में ऐसा हुआ नहीं था. पर कैपिटा इनकम आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 3.6%. 3.6% कितना हो सकता है आप लोग, व्हिच विल टिप मिलियंस ऑफ पीपल इनटू एक्सटर्नल एक्सट्रीम पॉवर्टी दिस ईयर. The blow is hitting hardest countries where the pandemic has been most severe and where the there is a heavy reliance on global trade, tourism, commodity exports and external financing. While the magnitude of disruption will vary from region to region, all EMDs have vulnerable that are magnified by external and shocks. Moreover, the interruption in schooling and primary health care access likely to have lasting impacts on human capital development. मेरा ये जो कहना, मतलब ये जो वीडियो बनाने का मकसद है और ये सब दिखाने का जो मकसद, ये नहीं है कि डर पैदा करने का, क्योंकि मार्केट का हिसाब से ही चलता है, ठीक है. तो इसका मैंने एक को ट्रेडर या फेलो ट्रेडर, मतलब एक ही ट्रेड हम लोग जो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, मैंने भी फुल टाइम रिसर्च एनालिस्ट एंड ट्रेडर हूँ. तो इसका आप लोग को सावधानी में वाइजली डिसीजन लेना है, आप लोग को जैसे लॉस ना हो. तो यही मेरा मकसद है, तो यही मेरे को ड्राइव कर रहा है कि ये वीडियो प्रॉम्प्ट कर किया है तो ये वीडियो बनाने के लिए. तो आप लोग को सामने जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को सामने लेना चाहता हूँ. तो दिस इज डीपली sobering outlook when the crisis likely to leave lasting scars and pose major global challenges, said World Bank Group Vice President Equitable Growth Finance and Institution Sela Bajar Basuglu. Our first order of business is to address the global health and economic emergency. Beyond that, the global community must unite to find ways to rebuild as the robust recovery as possible to prevent more people from falling into poverty and unemployment. Under the baseline of for forecast बेसलाइन अंडर द बेसलाइन फोरकास्ट, तो आप लोग को लग सकता है कि तो निफ्टी क्यों बढ़ रहा है, तो कब निफ्टी क्यों बढ़ रहा है. तो ये निफ्टी मैंने जो मनी कंट्रोल से वह तो ऐसा होता है, क्योंकि जब अपसाइड में डाउन साइड में जब रैली होता है तो फ्लक्चुएशन बनते रहता है. कुछ परसेंटेज कभी कभी कुछ परसेंटेज अप जाता है, कुछ परसेंटेज डाउन जाता है, लेकिन जो लेवल पे जो है वो उस लेवल पर वाइटल होता है. तो एनीवे which assume that the pandemic recedes sufficiently allow the hitting domestic mitigation measures by mid-year in advanced economic and EMDs adverse global spillovers is during the second half of the year, and dislocation in financial markets are not long lasting. Global growth forecast to rebound 4.2% in 2021 as advanced economic growth 3.9% and EMDs bounce back by 4.6%. That is the words of hope that 2021 will the economy will bounce back again.
However, the outlook highly uncertain and downside risks are predominant, including the possibility of a more protected pandemic financial upheaval and retreat from global trade and supply linkage. A downside scenario could be the could lead the global economy to shrink by a downside scenario could lead the global economy to shrink as much as 88% this year, followed by sluggish recovery in 2021 of just over 1%, with output in EMDs contracting by 5%, almost 5% this year. The US economy is forecast to contract 6.1%. So US economy 31% GDP may contribute karta total global economy ka, which of 6.1% contract karega. So this year mein World Bank predict kar raha hai. So ab log samajh sakta hai ki kya situation aa sakta hai. Reflecting the disruption associated with pandemic control measures, Euro area outputs expected to shrink 9.1% in 2020 as widespread outbreak took a heavy toll on activity. मतलब ये inevitable है, actually ये नहीं है कि ये possibility है, क्योंकि जो इतना सा shutdown और इतना सा COVID virus जो US, Europe, ये सब and India, Asia में जो फैला हुआ है और इसका impact already जो पड़ा हुआ है, इससे resume होते होते ये जो इस year में already sink हो जाएगा. मतलब इसमें ये होना ही है, ये नहीं है कि ये कुछ पॉसिबिलिटी का बात हो रहा है. तो जापान इकोनॉमी इज एंटिसिपेटेड टू श्रिंक 6.1% एज प्रिवेंटिव मेजर्स हैव स्लोड इकोनॉमी. द कोविड 19 रिसेशन इज सिंगुलर इन मेनी रेस्पेक्ट एंड इज लाइकली टू बी डीपेस्ट वन एडवांस्ड इकोनॉमी सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द फर्स्ट आउटपुट कॉन्ट्रक्शन इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज इज एटलीस्ट द पास्ट सिक्स डिकेड, सेड वर्ल्ड बैंक प्रोस्पेक्ट ग्रुप डायरेक्टर आयन कोसे. द करेंट एपिसोड हैज ऑलरेडी सीन बाई फॉर the fastest and steepest downgrades in global growth forecast on record. If the past is any guide, there may be further growth downgrades in store, implying that policymakers may need to be ready to employ additional measures to support activity. Analysis section in this additional global economy prospect address key aspects of the historical economic shock. How deep will COVID-19 recession be? कितना डीप हो सकता है, कितना गहरा हो सकता है कोविड-19 वायरस. एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ 183 इकोनॉमीज ओवर द पीरियड 1870-2000 ऑफर्स ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल रिसेशन सिनेरियोस ऑफ पॉसिबल ग्रोथ आउटकम्स. नियर टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शंस आर सब्जेक्ट टू अनयूजुअल डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. ऑल्टरनेटिव सिनेरियोस आर एग्जामिन्ड. हाउ डज द इनफॉर्मेलिटी aggravate the impact of the pandemic. The health and economic consequences of pandemic are likely to be worse in countries with widespread informality. The outlook for the low income countries. The pandemic is taking a heavy human and economic toll on the poorest countries. Regional macroeconomic implication. Each region is faced with its own vulnerabilities to pandemic and associated downturn. Impact on global chains. Disruption to global value chains can amplify the shocks of the pandemic on trade, production and financial markets. ये आप लोग समझ सकता है इसके वैल्यू चेंज में कैसे, मतलब ये जो लॉकडाउन चल रहा है सभी में, मतलब ट्रेड एंड बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब बंद हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट ये बोल रहा है. लास्टिंग स्केयर्स फॉर पैंडेमिक. डीप रिसेशन लाइकली टू बी गो लॉन्ग टर्म. Damage in investment erode human capital through unemployment catalyze a retreat from global trade and supply linkage. The implication of the cheap oil, low oil price, that the result of an unprecedented drop in demand are likely to buffer the effects of the pandemic but may provide some support during the recovery. The pandemic आप लोग ये पूरा पढ़ सकता है, ये बहुत ही लंबा आर्टिकल है, तो इसका भी आप लोग इसका देख सकता है. ठीक है, मैंने और भी दिखा देता हूँ.
पैंडेमिक हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड टू हेल्थ। आप लोग धीरज रखिए, आप लोग सोच सकते हैं कि तो हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसके बाद मैंने फिनेंस टेक्निकल एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा और कुछ और भी कुछ डाटा एनालिसिस करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, मतलब एनएससी एक्सचेंज का, तो उसका आप लोग धीरज रख के पूरा वीडियो देखिए तो आप लोग को अच्छा होगा। इंक्लूडिंग ग्लोबल कोऑपरेशन टू कुशन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड स्ट्रेंथ कंट्रीज कैपेसिटीज टू प्रिवेंट एंड डील विद द सिमिलर इवेंट्स इन द फ्यूचर। इट इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलप इकोनॉमीज व्हिच आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम एड्रेस चैलेंजेस पोस्ट बाई इनफॉर्मेलिटी एंड लिमिटेड सेफ्टी सेफ्टी नेट्स एंड एंड इनैक्ट रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स जेनरेट स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ वंस द क्राइसिस पासेस। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज विद अवेलेबल फिजिकल स्पेस एंड अफोर्डेबल फिनंसिंग कंडीशन कुड additional stimulus if effects on the pandemic persist. That should be accompanied by measure to help credibly restore the medium-term fiscal sustainability, including those that strengthen the fiscal and raise fiscal and debt transparency. The transparency of all government financial economies, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं इधर से। मैंने इधर का मतलब लिंक भी दे दूँगा मैंने इस मनी कंट्रोल का और इसका, ये भी आप लोग पढ़ सकता है। रीजनल आउटलुक एशिया एंड सेंट्रल एशिया द रीजनल इकोनॉमी इज फोरकास्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 4.7% विद रिसेशन इन नियरली ऑल कंट्रीज लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। द शॉक स्ट्रीमिंग फ्रॉम द पैनडेमिक विल कॉज रीजनल इकोनॉमी एक्टिविटी प्लांज बाई 7.2% इन 2020। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इज फोरकास्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 4.2% एज अ रिजल्ट ऑफ पैंडेमिक एंड ऑयल मार्केट डेवलपमेंट। साउथ एशिया इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रीजनल बाई कॉन्ट्रैक्ट बाई 2.7% टू 2020। ये सब आप लोग को भी पढ़ सकता है कहाँ पर मतलब ये कितना कॉन्ट्रक्शन हो सकता है जीडीपी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रक्शन। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कोविड 19 रिस्पॉन्स, तो द वर्ल्ड बैंक ग्रुप वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग एंड नॉलेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज टेकिंग ब्रॉड फास्ट एक्शन टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रेंथन एंड पैंडेमिक रिस्पॉन्स। वी आर सपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन वर्किंग टू एंश्योर द फ्लो ऑफ क्रिटिकल सप्लाइज एंड इक्विपमेंट एंड हेल्पिंग द प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट द सस्टेन जॉब्स। वी विल बी डिप्लॉइंग टू अप टू $160 billion in financial support over 15 months to help more than 100 countries protect the poor and vulnerable, support business and bolster economic recovery. This includes $50 billion of new IDA resources and there are through grants and high concessional loans. These are the silver line which World Banks are taking द मेजर्स। ओके, तो मैंने अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को दिखाऊंगा तो क्यों इसका अभी भी इसका बुल सॉरी बियर फेज में जा सकता है बुल फेज में, मतलब ये बुल ट्रैप क्यों है तो ये भी आप लोग को मतलब अपना आप लोग का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ इसका ये जो इंसान के ऊपर ये जो टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है इन लोग का बहुत ही वाइजली एंड बहुत ही सावधानी से इसको डील करना है। पहले मैंने निफ्टी का जो डेली चार्ट को मैंने पहले दिखाऊंगा इसमें क्या क्या दिखा रहा है। तो मैंने इधर से ज़्यादा मतलब मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मंडे जो का जो व्यू दिया था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए इधर से अभी भी इसका जो ट्रेंड दिखा रहा है
तो इसका अभी भी इसका जो सिग्नल है ये अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है, ठीक है। इसका कुछ डाउन ट्रेंड का कुछ सिनेरियो नहीं आया है। इधर से जब डाउन ट्रेंड आया था तो इसका डाउन में वो मार्केट गया था, इससे तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी के वाला वीडियो आप लोग देख सकता है। तो इधर से और आप लोग जो लोग मेरा ये जो स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट करता हूँ क्या क्या लगाता हूँ, तो वो आप लोग मैंने इसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्लामजी हो जाता है तो देखने के लिए इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी अच्छी तरह से दिखाता है। ये एक्चुअली फिबोनाची का लेवल्स भी है, तो इधर से फिर से डिस्कस करने का कुछ मायने नहीं। इधर से जो डेली चार्ट में जो दिखा रहा है, देखिए पहले तो इसका जो 10,200 का 10,236 10,250 के आसपास ये रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके पास 10,328, तो इसके बाद जो 10,391, इसके बाद 10,426, इसके बाद ये 10,469, इसके बाद 10,527, मतलब ये 550 का बाद जो हो रहा था 10,000, इसके बाद 10,554, ठीक है। तो ये यही बात उधर से भी बोल रहा था, इधर नया नया टेक्निकल एनालिसिस पे भी ऐसा ही दिखा रहा है। और जो सपोर्ट इसका बनेगा ये भी आप लोग देख सकता है इधर से, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी 9,500 का 9,544 का है, उसका नीचे जो इसका सपोर्ट बनेगा ये भी आप लोग देख सकता है। इधर देखिए 8,760, मतलब 880 का जो बात उधर मनी कंट्रोल के में दिया है एक्सपर्ट लोग, तो उसका भी उन लोग का भी ये दिख रहा है। और जो इधर से जो रिग्रेशन चैनल आप लोग को दिख रहा है, ये जो रेड वाला लाइन और बीच में जो डॉटेड लाइन है, ये भी अभी भी इसका डेली चार्ट में भी ये डाउनवर्ड डिक्लाइन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका कहना ही जा सकता है कि ये शॉर्ट टर्म में बुलिश है जो वो लोग बोल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बुलिश बुलिश तो है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में इसका डाउन ट्रेंड भी है। अच्छा, तो इसका आप लोग को इधर से सिग्नल भी देख सकता है, ठीक है। जो लोग मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकता है, ये कॉल ले सकता है, ये मतलब उन लोग को ये चार्ट भी सिखा दूंगा, आप लोग कॉल सर्विस भी ले सकता है। एनीवे इसके बाद मैंने वीकली चार्ट में भी दिखूंगा, वीकली चार्ट में दिखाऊंगा तो इसका क्या पोजीशन है। वीकली चार्ट में देखिए, ये आप दिखा रहा है, इसका ट्रेंड जो है इसका आप दिखा रहा है। और इधर से कुछ मैंने सिग्नल्स का जो बात करेगा तो इधर से आप लोग को अप ट्रेंड का सिग्नल ही इधर से इधर देखिए, ये बीच बीच में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का कैसे ये सिग्नल दिया है। जो लंबा वाला जो रेड एरोस और ग्रीन एरोस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो देखिए इतना ये अभी भी लास्ट जो इसका सिनेरियो है, ये स्टिल अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है। तो और रिग्रेशन चैनल भी ये इसका अप ट्रेंड में दिखा रहा है, तो लेकिन इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका आप लोग को मान के चलना पड़ेगा। वीकली हाई लोस, डेली हाई लोस, मंथली हाई लोस, ये सब आप लोग को देखना कंसिडर करके सोच समझ के देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग को वाइज डिसीजन लेना है। तो इस यही मेरा मकसद है कि आप लोगों को सामने आप लोग वाइज डिसीजन ले सकता है। इधर देखिए 500 का आसपास इसका मतलब एक रेजिस्टेंस है, ये इसका फिबोनाची लेवल्स का, इसके बाद 790, इसके ये तो बहुत दूर का बात है। तो और नीचे का जो लेवल्स इम्पोर्टेंट लेवल्स होगा ये 10,250 का लेवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9,979, उसके बाद 9,894, 9,947, ये जो इसका जो पिवट पॉइंट है 9,526, मतलब वही जो दिखाया डेली चार्ट में जो दिखता है 9,500, 8,860, ये सब लेवल्स बहुत ही नीचे का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसका और भी आप लोग देख सकता है, और आप लोग इसका इंटरमीडिएट चार्ट में भी ऐसे ही दिखेगा आप लोग को। और जो मंथली चार्ट मैंने डिस्कस करूंगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग को दिखाऊंगा क्यों मतलब ये नीचे जाएगा और कैसे नीचे, मतलब इसका क्या साइकिल इसके अंदर चल रहा है। मैंने बहुत बार मेरा वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, तो अभी ये चीज़ आप लोग को सामने अभी फिर से लेकर आना चाहता हूँ। तो इधर देखिए, इधर जो रिग्रेशन ट्रेंड है ये क्लियरली अप ट्रेंड दिखा रहा है,
तो मैंने 2008 से दिखूंगा, ठीक है। तो 2008 से आप लोग देख सकते हैं, 2008 से इधर से देखिए, एक मंथली चार्ट में एक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मतलब दिया था, सिग्नल दिया था, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग जो बुलिश सिग्नल दिया था। तो मैंने इधर से आप लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने दिखाता हूँ। देखिए ये है, ये जो साइकिल है एलियट वेव का जो साइकिल थियरी है, तो इसका देखिए इधर से आप लोग को होप आप लोग को दिख रहा है। तो ये है फर्स्ट वेव, ठीक है। फर्स्ट वेव थोड़ा सा जो जितना होता है इसका जो करेक्शन वेव जो होता है जितना, इधर से फिर से देखिए सिग्नल दिया है और इधर से मेरा जो चार्ट का सेटअप था जो थियोरी है पूरा मैच कर रहा है, क्योंकि इंडिकेटर लगाया हूँ तो इसमें इधर से कंपाइल करके बहुत सारा इंडिकेटर्स कंपाइल करके मैंने ये सब किया हूँ। तो इधर से देखिए इसके बाद इसका जो सेकेंड वेव है, इसका जो सेकेंड वेव है ये थोड़ा सा छोटा होता है, ये करेक्शन वेव है, ठीक है। ये दो क्या हुआ, वेव वन वेव टू हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका देखिए फिर से इसका इधर से एक्चुअली इसको ड्रॉ करना है, इसका ड्रॉ करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका देखता हूँ। तो इधर से फिर से मैंने इसको ले लेता हूँ। तो इधर से देखिए इसका सेकंड वेव किया, इसके बाद इसका देखिए ये थर्ड वेव है, ये बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। थर्ड वेव सब ज़्यादा लंबा होता है, उसके बाद ये जो नीचे ये जो थर्ड वेव है, ठीक है। तो इधर से इस हो नीचे चला आता है, इसका इधर से जो थर्ड वेव दिख रहा है आप लोग को, इधर से थर्ड वेव जो दिख रहा है इसका, ये थर्ड वेव किया था, ठीक है। इधर से फिर से ये इससे इसका थर्ड वेव सबसे लंबा होता है, उसके बाद करेक्शन वेव, फिर करेक्शन वेव वेव फोर आया है, उसके बाद करेक्शन वेव वेव फोर दिखा रहा है। इधर इधर जो करेक्शन वेव है ये वेव फोर है, ये थोड़ा सा छोटा होता है। उसके बाद फिर से इसका जो वेव फाइव बनता है, वेव फाइव जो बनता है तो वो फिर से लंबा होता है। तो वही हुआ है, तो यही देखिए इसका लंबा वेव दिया है इसका, ठीक है, 12,434 तक। इधर से आप लोगों को सिग्नल भी इधर से वही कंफर्म कर रहा है। तो ऐसा नेट का रुक गया है, उसका हटा देता हूँ। हाँ, तो होप आप लोग को वेब को मैंने समझा पा रहा हूँ। तो इसके बाद जो आया है इसका जो इधर से जो है, इसके बाद इधर से छोटा सा एक सिग्नल दिया है इधर से, देखिए इधर अभी भी इसका मंथली चार्ट में ये अभी भी इसका लॉन्ग टर्म का मतलब बुलिश ट्रेंड चालू है, क्योंकि इधर से जब तक ये 9,500 या 9,800 का लेवल का नीचे 8,860 या 8,800 का लेवल नहीं तोड़ता है तो ये ऊपर का सिग्नल नहीं आएगा। तो हो सकता है 9,700 में भी आ सकता है, 9,700 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, 9,800-9,700 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9,000 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। उधर से आप लोग को मेरे साथ बने रहिए, मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करके रखिए, और मैंने कहाँ पर जब सिग्नल आएगा तो आप लोग को दिख जाएगा। तो इधर से जब ये आता है तो इधर देखिए, इधर ये जो रिग्रेशन चैनल है ये थोड़ा सा नीचे आके इधर ये स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है इसका, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, हो सकता है ये थोड़ा सा रिट्रेस्ट होकर इधर सा मतलब इधर से फिर से रिट्रेस्ट करके नीचे आएगा। और इसका जो है ये वेव फाइव कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसका वेव ए करेक्शन आया था, ये वेव बी चल रहा है, ठीक है, इसका वेव बी चल रहा है। ये जितना सा जाएगा तो ये मतलब 61.8% टू 75% जा सकता है। तो इसका इधर से जितना सा गिरा था 5,000 पॉइंट लगभग गिरा था, तो इधर से 3,500 पॉइंट या 4 उससे ज़्यादा मतलब जा सकता है।
तो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। उसके बाद ये फिर से जब नीचे गिरेगा तो ये जितना गिरा था इसका 100% या 61% तक इसका गिरने का चांसेस रहता है। तो अब इसका जब इसका वो OFC बनेगा, ठीक है, यही है टेक्निकली ये दिखा रहा है। और इसका प्राइमरी टेंट, सेकेंडरी टेंट और टर्शरी टेंट भी आप लोग इधर से इधर देखिए, प्राइमरी टेंट स्टील इधर इसका ये अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड इसका बना हुआ है, ठीक है, इधर से जो बना है, ठीक है, तो इसका ये भी आप लोग को कंसीडर कर लेना है। अच्छा, इसके बाद मैंने जो दिखाऊंगा तो ये है कि वर्ल्ड मार्केट का स्थिति क्या है। वर्ल्ड मार्केट का देखिए, जो डो जोन्स है, S&P है या नैसडेक है, ये ऑलरेडी इसका ये टॉप इसका मतलब टच कर लिया है, ठीक है, टच का टॉप इसका, टच का टॉप इसका टच कर लिया है। तो इंडियन मार्केट में आप लोग को क्यों इतना दिख रहे हैं, इधर से जो होता है कि न्यूज बेस्ड, पहले तो बहुत ही एक इम्पोर्ट अभी बैंक निफ्टी का जो मोनिटोरियम का वजह से जो है उसका इसका बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका लॉकडाउन ओपन होगा, कभी कभी कुछ गुड न्यूज़ आएगा, मतलब क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करने का इंस्पायर्ड होगा, कि कभी कभी इंस्पायर्ड ज़्यादा होगा, तो इसीलिए बैंक निफ्टी को बढ़ेगा। तो जब भी कुछ केसेस, कोविड वायरस का केसेस बढ़ेगा या इंडिया चाइना बॉर्डर में टेंशन भी चल रहा है, तो इसके लिए आएगा, से भी आएगा, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा तो इधर कुछ सिलेक्टिव बाइंग हो रहा है, तो इसीलिए मार्केट इतना चढ़ रहा है। तो रिलायंस का जो नेट डेट फ्री का लेकिन एस दिया है, लेकिन एस नहीं है तो उसका रीजन से भी मार्केट चल रहा है। तो इधर ये सब चीज़ जो न्यूज़ आता है तो इसके लिए मार्केट होता है, लेकिन प्राइमरी चीज़ को और बेसिक चीज़ को आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, इधर SGX निफ्टी कुछ पॉजिटिव होकर क्लोजिंग दिया है 700-735, ठीक है। तो S&P नैसडाक इसका जो है, ये नैसडाक जब 25,300 का नीचे जब आ जाएगा, और ये इसका ऑलरेडी इसका साके इसका ऊपर जाके इसका मतलब टॉप अप इसका हो गया था, इसका ऊपर जाने का और कुछ मतलब जगह नहीं है, कुछ बचा नहीं है ऊपर जाने का, डो जोन्स का पर्टिकुलरली, और S&P एंड नैसडाक का भी ऐसे ही है। तो ये सब नीचे ही आने वाला है, तो इधर से जब नीचे आने वाला है तो आएगा तो आराम से 5-6% करेक्शन इंडियन मार्केट या एशियन मार्केट पड़ेगा को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, मैंने इधर से डोजोंस को दिखाना चाहता हूँ। डोजोंस नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग वीडियो देखेंगे जो लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा। मैंने जितना हो सके फैक्ट्स फिगर्स आप लगता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो इसमें आप लोग भी आप लोग भी आप लोग भी आप लोग भी आप लोग जुड़ा हुआ रह सकता है। तो आप लोग को अपडेटेड जितना सारा मैंने एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पस जो भी मेरे सामने आएगा तो आप लोग को सामने ले आने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो ये भी इसके लिए आप लोग को भी मतलब रिटेस्टमेंट या क्वेश्चन फिगर और फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ न्यूज मेरे सामने आएगा तो आप लोग को साथ शेयर कर जरूर करूँगा। तो इसीलिए आप लोग इसको साथ चलाइए, तो आप लोगों को फायदा होगा। तो एनीवे इसका नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। मैंने डोजेंस आए आए उसका और डोजेंस का और S&P और डॉलर इंडेक्स का क्या है, एक्चुअली डोजेंस का नेगेटिव दिखा रहा है, डॉलर इंडेक्स भी नेगेटिव दिखा रहा है, गोल्ड सिल्वर का प्राइस पॉजिटिव है। तो ये सब नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने इधर से दिखा नहीं पाऊंगा, आप लोग खुद भी इधर से चेक कर सकता है इसका क्या हालत है। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद दोस्तों। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसका जो आप लोग जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अरे दोनों क्या नहीं आ रहे, दोनों तीनों खुल जा रहा है।
ये थोड़ा सा ट्रैवल दे रहा है इसका, थोड़ा सा नहीं इसका देना दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये साइड थोड़ा सा स्लो ही रहता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और FII इस मतलब लास्ट डेट में फिर FII भी एक्टिविटी भी FII भी नेट बाइंग किया है, DI भी नेट बाइंग किया है, लेकिन वो जो हुआ है एक्चुअली सिलेक्टिव जगह पे हुआ है। आप लोग रियलिटी बैंक ये सब फिनेंशियल सर्विस ये सब जगह पे हुआ है, ये पूरा मतलब न्यूज़ बेस्ड होता है। और जो सोच लीजिए कुछ अनलॉकिंग का वजह से कुछ न्यूज आता है जो बैंक का स्टॉक्स को इन्फ्लुएंस ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो बैंक निफ्टी अभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन डाउन ओवर अप डाउन ओवर अप डाउन ओवर अप डाउन ओवर, ठीक है ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और लेवल पे काम करना है। जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहा है, इंटरडे का ट्रेड कर रहा है, टर्म में ट्रेड कर रहा है, आप लोग टर्म में ट्रेड कर रहा है, आप लोग को तो मतलब लेवल्स को पता ही हो चल गया। आप लोग उसी का टाइम इन्वेस्ट करेंगे या आप लोग से नीचे आप लोग का नीचे आप लोग जो ओल्ड है वो आप लोग में है वो आप लोग सोल्ड आउट भी सेल आउट भी कर सकता है। बट आप लोग मतलब फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श जरूर कर लेंगे, सलाह जरूर कर लेंगे। ये जस्ट मेरा व्यू जो मेरे सामने आता है, मैंने आप लोग को साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए डो जोन्स ये 25,000, ये 25,300 के नीचे जब क्लोजिंग देने लगेगा ये बहुत ही अर्लीस्ट 2,000 पॉइंट नीचे आने का है। तो इसका ऊपर जाने का कुछ बचा नहीं है, डो जोन्स नेगेटिव दिखा रहा है। नैस्डैक भी मैंने लास्ट जो देखा था नैस्डैक रेडी रेड होके ही मतलब क्लोज हुआ है, नैस्डैक भी रेड होके ही क्लोज हुआ है और S&P भी रेड होके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए नैस्डैक भी इसका कितना परसेंट चेंज हुआ है, S&P भी रेड दिखा रहा है, ठीक है। और इसका जो SGX निफ्टी का तो आप लोग को दिखा दिया मैंने, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड मार्केट का पूरा सिचुएशन मैंने एक बार दिखाऊंगा। अच्छा मैंने डॉलर इंडेक्स को एक बार देख लेता है, डॉलर इंडेक्स भी पॉजिटिव है। तो ये भी एक मतलब निफ्टी का गिरने का मतलब होता है जो डॉलर इंडेक्स के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो ऊपर जाता है और डॉलर इंडेक्स जब नेगेटिव होता है तो ऊपर जाता है, और डॉलर इंडेक्स जब पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाता है सॉरी नीचे जाता है। तो डो जोन्स देखिए पूरा वर्ल्ड मार्केट इसमें हैंगसेंग का थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इधर है क्रेज बढ़ गया है, क्रेज बढ़ गया है, क्रेज बढ़ गया है, थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो लास्ट जो ट्रेड में था घाटा ही दिखाया था। एनीवे तो ये है टोटल सिनेरियो। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा जरूर कमेंट कर और रखिए बने रहिए मेरे साथ, तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा।